हेलो नमस्कार वेलकम गुड मॉर्निंग आप सभी का आपके हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों अगर आप कर रहे हैं सरकारी नौकरी की तैयारी तो आप ये वीडियो जरूर देख सकते हैं। मेट्रो विभाग यानी कि रेल मेट्रो में एक और नई वैकेंसी निकली है, ये भारत के विद्यार्थियों के लिए अच्छी अपडेट है। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप इसमें जरूर आवेदन कर सकते हैं, इसमें सारी क्वालिफिकेशनों को इन्वाइट किया गया है। और साथ ही हम बात करेंगे आवेदन प्रक्रिया के बारे में, आज इसमें फॉर्म भर के देखेंगे कैसे इसमें फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म की मैं बात करूं तो आप लोगों के सामने सबसे पहले मैं फॉर्म का प्रारूप दिखाता हूं ताकि आप लोग इसमें आवेदन करने में आसानी होगी। ये इसका पूरा फॉर्म की अपडेट है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एक पेज का पूरा फॉर्म दिया हुआ है और ये पोस्ट के अनुसार अलग अलग फॉर्म भरे जाएंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा वीडियो अंत तक हो सकता है या बड़ा हो सकता है क्योंकि आप लोगों को ये पूरी जानकारी लेनी है तो बड़े वीडियो यानी कि बड़ा वीडियो बनना तय है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा अगर आपको डाउट हो कमेंट में जरूर कीजिएगा, इंस्टा पेज को हमें फॉलो करके वहां से हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं मेट्रो रेल के बारे में। मेट्रो के अंदर सभी विद्यार्थी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग राज्य के हैं, पर्टिकुलर एक राज्य से निकली हुई वैकेंसी है और आप इसमें नहीं लगा सकते हैं तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें पहली बात तो क्लियर कर लीजिएगा, आपको इसमें 20,000 ये सबसे कम वाले विद्यार्थियों की यानी कि आईटीआई वाले विद्यार्थियों की या फिर 10वीं वाले विद्यार्थियों की 20,000 से स्टार्ट होगी सैलरी और इससे अधिक तक डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों की अलग सैलरी होगी, बीई बीटेक वाले विद्यार्थियों की अलग सैलरी होगी। तो यानी कि सबकी अलग अलग सैलरियाँ निर्धारित की हुई है और पोस्ट अलग है, पद अलग है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी होगी। तो इसलिए मैं विज्ञापन के बारे में पूरी डिटेल दूंगा। मैं आपसे यही कहूँगा कि बस अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं अच्छी बात है, अगर इसके अलावा आप इस विज्ञापन को देखना पसंद करते हैं तो और भी अच्छी बात है क्योंकि एक बार आप खुद इस विज्ञापन को देखें, इसकी पूरी जानकारी लें जब जाके आप लोग इसमें आवेदन करें। तो दोस्तों ये देखिएगा, ये पूरा 5 पेज का विज्ञापन है जिसकी मैं बात करूंगा आप लोगों के सामने। इसमें आवेदन क्वालिफिकेशन से लेके आवेदन प्रक्रिया तक की डिटेल दी हुई है और कहाँ से कौन से विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, सिलेबस वगैरह सारी चीजें इसमें दी हुई है। तो इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं विज्ञापन के बारे में। तो दोस्तों गुजरात मेट्रो से निकली हुई वैकेंसी है, पिछली बार वैकेंसी निकली थी पुणे मेट्रो से और अब फिर से निकली है गुजरात मेट्रो से। गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेट ऑफ इंडियन लिमिटेड की बात हम कर रहे हैं जिसमें गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेट के तहत लिमिटेड 50-50 स्पेशल जो वैकेंसियाँ दी हुई है जॉइंट्स यानी VPS के तहत वैकेंसी अपडेट कराई गई है जिसमें आप लोगों को आवेदन करना होगा और ये जो मिनिमम 3 इयर्स से 5 इयर्स तक का जो भी क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है तो आप लोग इस पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, इसमें मुझे भी कुछ डाउट्स क्लियर होंगे वो आप लोगों को क्लियर करने होंगे। यहाँ पे पहले बात करें, कुछ पोस्टें कॉन्टैक्ट बेस पे हैं, कुछ पोस्टें रेगुलर बेस पे हैं, तो ये थोड़ा सा आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कौन सी पोस्ट कॉन्टैक्ट बेस में है, कॉन्टैक्ट बेस पे हैं और कौन सी पोस्टें नहीं है। आपको बता दूँ ये 3 से 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट में ये वैकेंसियाँ निकाली गई है और उसके अनुसार आप लोगों को इन्वाइट किया गया है। ये प्रोजेक्ट के तहत आप लोगों को यहाँ पर नौकरी मिलने का चांसेस मिल रहा है इसलिए आप लोग तैयार हो जाए। अब कॉन्ट्रैक्टर्स की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट की तो यहाँ पे संस्था ने या फिर इसकी गवर्नमेंट एजेंसियों ने इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, 5 से 3 साल का इस कॉन्ट्रैक्टर्स दे रखा है तो ये हो सकता है कि आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट होने वाला हो। तो चलें आगे देखते हैं और क्वालिफिकेशन के बारे में और वैकेंसी के बारे में, आखिरकार ये वैकेंसी किस लेवल की निकाली गई है ये देखिएगा। जॉइंट जनरल मैनेजर की बात करें तो जॉइंट जनरल मैनेजर की यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है जिसमें सिविल ट्रैक और 90,000 से 2 लाख रुपए तक की सैलरी होगी, काफ़ी बड़ी 18 से 50 वर्ष तक का पोस्ट है क्या एक है। इसी दौरान यहाँ पे जो सिविल ट्रैक है, इंजीनियरिंग है, असिस्टेंट है, असिस्टेंट इंजीनियरिंग है, इनकी सब की पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। इसमें 18 वर्ष का विद्यार्थी आवेदन कर सकता है, 28, 30, 32, 40, 45 और 50 तक के जो भी विद्यार्थी हैं, लेकिन ये पोस्ट और क्वालिफिकेशन के आधार पे होगी क्योंकि ये थोड़ी सी बात अलग होगी। यहाँ पे देखिएगा अब कौन सी पोस्ट किसके लिए, आईटीआई वाले के लिए कौन सी पोस्ट है, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो बीटेक वाले विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, 35,000 से आपकी सैलरी होगी और एक पोस्ट इसमें दी हुई है। असिस्टेंट मैनेजर सिंगल की बात करें तो 2 पोस्ट इसमें दी हुई है, बीई बीटेक वाले विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगली बात करें असिस्टेंट
सेक्शन मैनेजर लैब की बात करें तो यहाँ पे उनके लिए भी पोस्टें निर्धारित की गई है, जिसमें 3 पोस्टें दी हुई है। बीई बीटेक वाले विद्यार्थी आवेदन करेंगे और इसमें देखिएगा, थोड़ा सा मैं क्लियर करूँ तो बीई बीटेक के साथ ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल्स वाले विद्यार्थी अप्लाई करेंगे। 35,000 से 1,00,000 के बीच में आपको सैलरी दी जाएगी। 1 ईयर तक आपको पे सिलेक्शन के अनुसार 30,000 1,20,000 के अनुसार गवर्नमेंट मेट्रो कॉर्पोरेट के अनुसार, फिर उसके बाद आपकी सैलरी ये होगी। तो दोस्तों ये बेसिक डिटेल है। वर्क एक्सपीरियंस है तो वर्क एक्सपीरियंस आपको लगाना होगा, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास होगा तो आपको बेनिफिट भी इसमें जल्दी ही मिलेगा। तो थोड़ा सा ये चीज़ आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगले पेज की बात करें, अगले पेज में 4th नंबर के पेज में, तो इसमें सिविल बीटेक वही डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों की बात करें तो डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों की पोस्ट इसमें दी हुई है। अब ये थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, कई आईटीआई वाले विद्यार्थी हैं वो भी यहाँ पे कई सवाल पूछने वाले हैं, तो आपके यहाँ पे मैं पॉइंट क्लियर करूँगा। पोस्ट संख्या है 7, पोस्टों की संख्या 4 दी हुई है टोटल। इसमें डिप्लोमा के साथ सिविल इंजीनियरिंग या किसी भी गवर्नमेंट संस्था से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने कर रखा है और मिनिमम 5 ईयर का आपके पास है, तो आप लोग इसमें विथ 1 साल का एक्सपीरियंस या अप्रेंटिस वगैरह है तो भी आप इसमें लगा सकते हैं और इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। जूनियर इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें भी डिप्लोमा की डिमांड की गई है और इसमें भी आपको बता दें कि इसमें करीबन 4 पोस्टें दी हुई है और ये आप लोगों को किसी भी गवर्नमेंट संस्था से होना जरूरी है। अब इसमें मेटल जो सिविल ट्रेक है, आईटीआई वाले विद्यार्थियों की टोटल 4 पोस्टें दी हुई है, जिसमें रिक्वायर किया गया है कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाइड फॉर गवर्नमेंट रिक्वायर आईटीआई। गवर्नमेंट के तहत किसी भी संस्था से आईटीआई कर रखी है और वो विद्यार्थी इसमें आवेदन करना चाहता है तो आईटीआई आपके पास होगी। उसके लिए आपके पास आपकी जो ट्रेड है या फिर उसके अलावा अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको ये थोड़ा सा क्लियर करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आईटीआई के साथ 2 ईयर 4 एक्सपीरियंस फील्ड आपके जो डिपार्टमेंट है, आपकी जो ट्रेड है उससे संबंधी यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब कई विद्यार्थी के हमारे पास 2 साल का एक्सपीरियंस, सर 2 साल के एक्सपीरियंस की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अगर आपके पास के 2 साल की आईटीआई है, 1 साल का जो 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग इसमें लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 साल के अप्रेंटिस वाले विद्यार्थी भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे उनको भी इनवाइट किया गया है। आवेदन प्रक्रिया 13 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, 12 नवंबर तक आप लोग इसमें आवेदन करेंगे। भारत के सभी विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल ऑनलाइन ही सबमिट करना होगा और ऑफलाइन इसे नहीं जमा करवा सकते हैं। अब एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इसमें एप्लीकेशन फीस के बारे में कोई अपडेट नहीं दी हुई है और सिलेक्शन प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे टाइम और डेट इंटरव्यू के लिए आपको कॉल लेटर भेजा जाएगा, उसके बाद शॉर्टलिस्ट जारी की गई, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, जब जाके आपको गवर्नमेंट जॉब या फिर इस कॉन्टेक्ट बेस पे आपको रखा जाएगा। तो दोस्तों ये इसका पूरा विवरण है और ये गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेट ऑफ इंडियन लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं और आई होप कि आप सभी विद्यार्थी से समझ पाए होंगे। अगर मेट्रो में करना चाहते हैं नौकरी तो अभी जाके इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की बात करें तो दोस्तों इसके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको दूंगा, जहां से आप लोग इसमें आवेदन करेंगे, फॉर्म को सबमिट करेंगे और जो भी डाउट होगा वो जरूर कमेंट कीजिएगा। ये देखिएगा, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है गुजरात मेट्रो, ये आप गूगल पर डाल सकते हैं और यहाँ से पहला नाम और डेट ऑफ बर्थ, एज, कॉन्टेक्ट नंबर, जनरल इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह वगैरह जो भी है आपके यहाँ पे सारे सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों एप्लीकेशन आईडी वगैरह होगी, आपकी एप्लीकेशन आईडी होना जरूरी है, ये सारी चीज़ें बनेगी, एड्रेस होगा आपका, ये फोटो और सिग्नेचर होगा आपका, तो ये 2 चीज़ें आपके पास होगी तभी आप लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगली वैकेंसी के साथ फिर एक मैं नए वीडियो की शुरुआत करूंगा। जो भी विद्यार्थी डाउट हो कमेंट करें, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।